भद्रकाली ज्योतिष मन्ना धाम पुरवा गढ़ा जबलपुर में प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर 108 सुहागलों एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी बैसाख पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 108 सुहागले में जबलपुर नगर एवं आसपास बाहर से आई समस्त महिला श्रद्धालुओं ने आकर माँ का पूजन पाठ किया और अखंड सुहाग की कामना की। तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिला श्रद्धालुओं एवं सभी भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। रानी के लिए नौकरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसमें आंगन छोड़ दिया जाता था कि जो भी अपना काम होगा, तो आंगन होने का मतलब ये रहता था कि जो हवन होगा तो उसका धुआं चारों दिशाओं में जाएगा, तो सभी कमरों में पहुंच जाएगा। थोड़ी बेटी बड़ी हो गई, 4-5 साल का बच्चा होता तो वो चाहता है कि छोटी के जय मां भद्रकाली। भद्रकाली ज्योतिष मन्ना धाम पुरवा गढ़ा की ओर से प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी वैशाख मास के पावन शुभ अवसर पर 108 सुहागले एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से सुहागन महिलाएं आईं और आसपास के भक्तजन लोग आए जिन्होंने सुहागन में भाग लिया, सुहागन स्त्रियों को सुहागनों की पूजा की और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ भद्रकाली से मन्नत कामना की एवं भंडारे में दूर दूर से लोग आकर सबने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। माँ भद्रकाली आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय माँ भद्रकाली। गौरतलब है कि भद्रकाली ज्योतिष मन्नत धाम में श्रद्धालु अपनी विभिन्न मनोकामनाओं को लेकर आती हैं और यहां माता के आशीर्वाद एवं पूज्य गुरुदेव की तपस्या से उनकी हर मनोकामना यहां से पूर्ण भी होती है। आज बैसाख मास की पूर्णिमा है और सबसे ज्यादा पुण्य, अगर आपने पूरे बैसाख में कोई दान पुण्य कुछ नहीं भी किया है और आज पूर्णमासी के दिन कर लेते हैं तो पूरा सौभाग्य मिल जाता है। और आज हम 108 सुहागलें यहाँ बैठकर पूजन अर्चन करेंगे, माता रानी से अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त करेंगे और ये सब सौभाग्य हमें उपाध्याय जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है कि उन्होंने सोचा और बहनों को आज उनका प्रकटोत्सव भी है भद्रकाली माता का, इसलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में 108 सुहागलों का आयोजन किया जा रहा है। यह सिलसिला कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है।